हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़े घड़ी, मैंने कल धोए हुए थे तो वो बक्से पे रखे थे, तो सोचा सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके कपड़े वगैरह रख देती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में खाना वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने आज अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो सारे जो भी मेरे कपड़े थे, बेटू के थे और मेरे हस्बैंड के थे उनके, और मेरे तीनों के, मैंने घड़ी करके इसको अलमारी में रख दी हूँ। अब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है साधन सा, जिस तरह से बोलते हैं ना, तो के रखने के लिए चीज़ें वगैरह हो गई हैं। पहले मैं गोदरेज की अलमारी नहीं थी ना, तो पता है पहले मैं ऐसी अलमारियों में रख देती थी, पर्दा वगैरह डाल देती थी, ढाक देती थी दुपट्टे उपट्टे से, जिससे दिखे नहीं। लेकिन अब तो गोदरेज हो गई है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती, ऐसा लगता है फिर तो घड़ी करके जल्दी से रख दो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में बना रही थी आज मैं अंडे। तो अंडे मैंने तल लिए थे सबसे पहले, और तलने के बाद मैंने उनको निकाल लिए थे। उबले हुए अंडे लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मेरे को बस तलना ही थे, उबालना तो थे नहीं, तो मैंने तल लिए थे। तलने के बाद निकाल लिए, और उसके बाद मैंने दो पत्ते डाल दिए थे। पत्ते अच्छे से हो गए थे, चटक गए थे, तो उसके बाद मैंने मसाला पीस के इसमें मसाला डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर सूखे मसाले डाल दूंगी। तो बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं अंडे। आप लोग भी वैसे ऐसे ही बनाते होंगे, ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, और बहुत से लोग ग्रेवी करके बनाते हैं, मतलब अच्छे से टमाटर वगैरह भी डालते हैं। वो तो जितनी चीज़ें अपन डालेंगे उतनी ही चीज़ अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग किसी और तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा मसाले को मैं भुजने दूंगी, और आप लोग सोच रहे होंगे मसाले में इतना कम तेल है, तो हाँ मैं सब्जी में बहुत कम तेल डालती हूँ। देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का छोड़ भी दिया है ना मसाले ने तेल, इतना ही तेल था, ज़्यादा तेल नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा तेल होता है ना, तो वो डांटते हैं, कहते हैं तो तेल भर दिया है। तो इस वजह से मैं शुरू से ही तेल सब्जी में तेल कम डालती हूँ, तो मुझे वैसी ही आदत है कम तेल में सब्जी बनाने की। तो वहाँ पे मैंने सब्जी अंडे भी डाल दिए और पानी भी डाल दिया उसके अंदर, और तो अच्छे सब्जी को मैं खदक जाने दूंगी। और यहाँ पे खाना खाने की कर रही हूँ तैयारी। ही बेटू है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, हम तीनों खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले आम वगैरह काट लूँगी। आम रखे थे, रोटी से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझको भी पसंद है, उनको भी है, बेटू को भी है, हम तीनों को ही आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो पानी वगैरह पड़ गया है ना थोड़ा सा, तो इतने मीठे आम हो गए ना, इतने सेहत जैसे हो गए हैं, तो वे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और देखिए प्लेट में रखी है चटनी, जो कि मैंने रात में बनाई थी, थोड़ी सी चटनी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी मन कर रहा था टमाटर की, तल के बनाते हैं ना वो वाली चटनी खाने का, तो मैंने वो चटनी भी बनाई थी। और यहाँ पर एक एक करके सब चीज़ बेटू लेता हुआ चला जा रहा है रखने के लिए दस्तरखान पे। तो भाई हम यहाँ पे खाना खा चुके हैं, और हस्बैंड दिन में आ गए थे, मतलब दिन में नहीं आ गए थे, खाना खाकर ही गए थे घर से, आज वो लेट हो गए थे, तो इस वजह से उन्हें यहीं पर ही, अपने कोई गाड़ी वगैरह थी तो उनको यहीं पर ही सही करना थी, तो इसलिए वो ले घर पे ही खाना पीना खा के गए थे, आज टिफिन लेके नहीं गए थे। तो खाना पीना खा पी के फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में, यहाँ पे लगाऊंगी भी बस। मेरा सारा काम तो वैसे हो चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, बस बेड भी मैंने साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो गंदा सा ही हो गया था। ये बेटू बहुत ज़्यादा दम मचाता है, तो चदरा वदरा ख़राब कर देता है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको पहले एक बार और एक्सा कर लेती हूँ, और थोड़ा कपड़ा वगैरह फेर देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी कि फिर उसके बाद मैं पोंछा लगाऊं। तो बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर जो भी न्यू है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, अभी मैंने नहाया भी नहीं है, और आज तो देखिए कैसा हो गया, खाना ही खा लिया बिना नहाए। वैसे मैं बिना नहाए खाना नहीं खाती हूँ, काम वगैरह मेरा सारा हो जाता है ना उसके बाद ही खाती हूँ, लेकिन बेटू वो दोनों खा रहे थे, तो मैंने सोचा फिर मुझे अकेले खाना पड़ेगा, और मेरे को अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटू के साथ ही खाती हूँ मैं दिन में खाना, बेटू और हम दोनों खाते हैं,
तो फिर मैं खाने लगी उनके संग में ही। और यहाँ पे देखिए बेटू के बर्थडे का ये लगा हुआ था एक दीवार पर, जो कि आधा निकल गया था ना, तो मैंने ना उसको निकाल ही दिया। और लेकिन निकाल तो दिया था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मतलब मैं पछता रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरे यार नहीं निकालना था, लगे रहने देना था। अच्छा लग रहा था, दीवार अब प्लेन प्लेन सी हो गई गई बस एक तरफ से निकला था, बाकी सारी तरफ से वो जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था। और जो फूकने से जो हैप्पी बर्थडे लिखा था ना उन पे, वो फूले हुए थे, तो वो भी है ना मतलब पिचके नहीं थे, फूले ही थे। अच्छा रखा था और मैंने उसको निकाल दिया। मुझे बहुत बाद में अफसोस हुआ कि मैं काश नहीं निकालती, इतनी अच्छी दीवार लग रही थी उससे। तो उसको हटाने के बाद पता चला कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको नहीं निकालना था। पर क्या होता है, अब तो मैंने निकाल दिया, अब तो पूरा उसका ऐसे घड़ी वड़ी कर दी थी ना उल्टा सीधा, कि पूरा उलझा उलझी हो गई थी उसकी। तो फिर मैंने ऐसे ही फेंक दिया। तो बस यहाँ पे मेरी लगने वाली है अब झाड़ू, और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोंछा। तो अभी बेटू चला गया है बाहर, निकल गया। मैंने कहा जाओ तुम बाहर खेल आओ। ओके, फिर ट्यूशन भी जाना है उसको, 12 बजे तक वो ट्यूशन जाएगा। और यहाँ पर मैं फिर काम करके नहाऊंगी जब तक वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा आएगा।